भारत और चीन के बीच डोकलाम एक बार फिर विवाद की वजह बन सकता है। गुरुवार को अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने दावा किया कि चाइना डोकलाम में फिर से अपनी सेना की गतिविधियां बहाल कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों का ये भी दावा है कि फिलहाल भारत और भूटान दोनों ही इस इलाके में चीन की सक्रियता पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। भारत ने बिना देरी किए अमेरिकी अधिकारियों के इन दावों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने इस मुद्दे पर संसद में बयान दिया कि डोकलाम में चीन के साथ कोई नई गतिविधि नहीं हुई है और डोकलाम में यथास्थिति बनी हुई है। लेकिन विपक्ष ने बिना देरी के सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। कटु सत्य ये है कि 56 इंच की छाती वाले और चीन से लाल आंख दिखाकर बात करने का वादा करने वाले मोदी जी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पूरी तौर से चुप्पी साधे बैठे हैं, जब चीन नॉर्थ और साउथ डोकलाम में सैन्य सामग्री और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। सच्चाई ये भी है कि चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनकर राष्ट्रपति चीन को झूला तो झूलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, परंतु जब एजेंडा लेस विजिट पर चाइना जाते हैं तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे डोकलाम को उठाना भूल जाते। हम आपको बता दें कि बीते साल लगभग इन्हीं दिनों में डोकलाम के पास सीमा पार कर सड़क बना रहे चीन के सैनिकों को भारतीय सेना ने रोक दिया था। इसके बाद करीब 2 महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के ताजा दावों ने डोकलाम के विवाद को एक बार फिर से हवा दे दी है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।